हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शामली, दूसरे चरण के तहत मुजफ्फरनगर और होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए शामली से भी पुलिस बल भेजा गया है। पुलिस लाइन से शुक्रवार को पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी के लिए मुजफ्फरनगर रवाना कर दिए गए। वहीं थानों से भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिस कारण थानों और पुलिस का टोटा हो गया है। शामली जनपद और 22 नवंबर को पहले चरण के तहत निकाय चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। शामली और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की पुलिस चुनाव ड्यूटी पर भेजी गई थी। वहीं दूसरे चरण के तहत मुजफ्फरनगर और 26 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शामली जिले की पुलिस की ड्यूटी मुजफ्फरनगर और लगाई गई है। इसी के चलते शुक्रवार को पुलिस लाइन से चुनाव ड्यूटी के लिए 270 कांस्टेबल, 60 उपनिरीक्षक, 28 हेड कांस्टेबल और 70 इंस्पेक्टर रवाना किए गए हैं। उधर चुनाव ड्यूटी और फोर्स भेजे जाने की वजह से थानों और भी पुलिस की कुछ ही हो गई है। शामली जिले के चिंझाना, गढ़ी पुख्ता, आदर्श मंडी, थाना भवन और कांधला और यही स्थिति बनी हुई है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।